नाज़रीन, एक अरसे बाद बिलाखिर इंडिया और पाकिस्तान एक बार फिर आमने सामने हो रहे हैं अपनी मैरियट और ताज धमाका सीरीज़ में। और नाज़रीन, इस टाइम पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया है। 10-10 ओवर का मैच है, 5 ओवर फास्ट होंगे, 5 ओवर स्पिन। और इस टाइम जो है ज़हीर खान बॉलिंग करने के लिए तैयार खड़े हैं। और अब मैच शुरू होगा। मैच शुरू हुआ जाता है। इसको कैमरे को हम कहाँ रखें जहाँ से हमारे मैच की कवरेज सही आए? ओए, इधर ऐसे पकड़ के खड़ो, यहाँ से इधर उधर कोने में चला जा। ओए, आगे उंगलियाँ तो ना कर, वहाँ कोने में खड़ो। बस सही है। पहली बॉल करने जा रहे हैं ज़हीर खान। यार बात सुनो, साथ सुबह से ग्राउंड में घुसा है तमाशे खेलने आए हैं क्योंकि एक अच्छे बात आपने सामने एक ओवर पहले ओवर के सामने 12 स्कोर कोई और नाज़रीन हरभजन सिंह पाकिस्तान के बॉलर बिल्कुल नहीं पा रहे हैं। इशांत का सामना करेंगे शाहिद अफरीदी। तीन बॉल है, 22 स्कोर। और स्लोअर बॉल है, चार बॉल है, 22 स्कोर। बहुत खूबसूरत ओवर करवा रहे हैं। ईशांत शर्मा के 4 बॉलों में 0 स्कोर दिया है।
चार बॉलों पे शून्य 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 वो शायद अपने इसके साथ तीन ओवर 28 स्कोर 0 विकेट के नुकसान पे। इसके बाद नाजरीन चौथा ओवर करने आए हैं अनिल कुंबले। और 34 स्कोर इसके साथ पाकिस्तान ने जब फिर प्रेशर से बाहर और 49 स्कोर के लिए खेल दिया फिर और 38 स्कोर दो घंटे अनिल कुंबले की पिटाई फिर के हाथ में और इसके साथ बॉल ये और अफरीदी क्लीन बॉल ग्रेस हम और होकर अनिल कुंबले ने अपना बदला ले लिया। यस जी अंकित आपको पता चला कि दो गेंदें खेली थी इसलिए पे आओ और नाजरीन अब है यूनुस खान और दबा लिया बहुत नाजरीन बहुत अंदर रनी 40 स्कोर हो गए इसके साथ ही चार बॉल 40 स्कोर बहुत उम्दा प्रदर्शन कर रही है भारत की टीम। देखते हैं वो किसको भेजते हैं लेकिन वो खुद नहीं आए उन्होंने मिसबॉल हाथ को भेजा। पांच बॉल 40 स्कोर की बहुत जाए और टीम को बारे और ये छक्का 40 स्कोर फ्रॉम द स्टेट चार और 40 स्कोर बहुत उम्दा प्रदर्शन कर रही है पाकिस्तान की टीम। चार ओवर और नाजरीन इसके साथ ही धोनी ने बॉलिंग करने की गति संभाली वो दी है युवराज सिंह को 40 स्कोर हो गया अपना देखो और एक छक्का आते भाई बड़ों ने नहीं है ना तीन स्कोर दिए विश्वनाथ ने बहुत अच्छी रनिंग करते हैं ये बिटवीन द विकेट्स 55 5 मिनट पाकिस्तान के 5 ओवर 5 आउट 63 प्रदर्शन ईशांत शर्मा की जानिब से अभी तक एक ओवर इनका उन्होंने अंदर से इशारा किया इनके बॉलिंग फिगर्स कुछ इस तरह से हैं एक ओवर एक बॉल 3 विकेट और 6 स्कोर
बहुत खूबसूरत बॉलिंग का प्रदर्शन निशांत शर्मा की जानिब से। बहुत खूबसूरत फील्ड हुए कामरान अकमल, जैसा कि हम सब जानते हैं बहुत ही चुतिया बॉलर हैं। ओए ऐसी बातें नहीं होती होती। अपने भारत के खुद पे सिगरे बैट्समैन कहना चाह रहे थे बॉलर कह रहे। गलती हो गई कमेंटेटर से। और नाज़रीन इसके साथ पाकिस्तान का स्कोर आठवें नंबर पर बैटिंग करने आए हैं। ये आपके लिए बहुत ही हैरत अंगेज बात होगी। तीन बॉलें हो चुकी हैं शांत शर्मा के ओवर की, दो विकेट वो अभी तक हासिल कर चुके हैं, दो क्लीन बोल्ड। और शोएब मलिक क्या चाहते थे, क्या उनके ज़हन में था कि उन्होंने आठ नंबर मोहम्मद यूसुफ को भेजा। चार बॉलें 64 स्कोर, कोई नहीं, सात विकेटों के नुकसान पर, लेकिन छठा ओवर चल रहा है। आठवें नंबर पर बैटिंग करने आए हैं मोहम्मद यूसुफ और वाकई बैट्समैन। सात पांच बॉलें हो चुकी हैं, 70 स्कोर है। कितने लास्ट बॉल आपको, पांच लास्ट बॉल है ईशान शर्मा की, एक और छक्के ने खेल दिया और इससे लगभग सारे स्कोर 76 छह ओवर पाकिस्तान के साथ विकेट गंवा चुका है पाकिस्तान। और नाज़रीन आप बॉलिंग करने आए हैं आरपी सिंह। आरपी सिंह बहुत खूबसूरत फील्डिंग आरपी सिंह की जानिब से। बिल्कुल खेल नहीं पा रहे, बिल्कुल सुनिप नहीं पा रहे हैं, सब बहुत ही टेंशन में परेशानी में नजर आ रहे हैं आप लोगों ने। स्मॉल बॉल और उन्होंने एक स्कोर में खेल दिया है। डबल लेना चाहते थे बैटिंग फील्डर, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं फील्डर हो गया पाकिस्तान की टीम के द्वारा पेस, बट बिल्कुल कोई रिस्क नहीं। 78 स्कोर और चार बॉलें, 78 स्कोर और एक और खूबसूरत स्लो डिलीवरी स्टंप मेरे तो रहे हाथ बार बार है आउट मेरे स्टंप के लिए बार बार बच्चे। पांच बॉलें 78 स्कोर, बहुत खूबसूरत ओवर कर रहे हैं, एक वाइड की एक स्कोर दिया। मोहम्मद यूसुफ खेल नहीं पा रहे हैं और बहुत खूबसूरत बॉल उनके डांस को लगी डांस को लगी और ब्रेक हुए और इसके साथ सात ओवर, सात ओवर 78 स्कोर, सात विकेटों के नुकसान पर, सात विकेटों के नुकसान पर। और नाज़रीन यूसुफ अपने काम पे आ गए हैं, उन्होंने इस ओवर में सिर्फ एक स्कोर बनाया। बॉलिंग करने के लिए आए हैं वीरेंद्र सहवाग, 10 ओवर और इसके साथ आउट। यस 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 इसके साथ ही कैच देते हुए पवेलियन में वापस। और नाज़रीन पाकिस्तान की टीम 87 स्कोर करके आउट हो गई है 10 ओवरों में। और ईशांत शर्मा ने बहुत खूबसूरत बॉलिंग की, उन्होंने दो ओवरों में सिर्फ 12 स्कोर दिए और चार खिलाड़ियों को आउट किया। और इस टाइम भारत की टीम बैटिंग करने के लिए आ रही है क्रीज के ऊपर और सामना, जैसे कि जाहिर सी बात है, सामना करेंगे वीरेंद्र सहवाग। भारत को 10 ओवरों में 88 स्कोर चाहिए 8.8 रन पर की औसत से। और वीरेंद्र सहवाग
वसीम अकरम उनको बहुत अच्छे बाद बुलाया है, रिटायर हो चुके हैं। जैसे कि आप जानते हैं ये एक बहुत एजाजी मैच है, इस वजह से इसके अंदर वो खिलाड़ी आपको देखने को मिल रहे हैं जिन्हें टीम छोड़े हुए अरशद राज, अरशद राज 10-10 साल हो गए लाइक राज हुआ आपको सामना करेंगे वसीम अकरम का। वसीम अकरम बहुत डरते हैं वसीम अकरम से जैसे कि हम सब जानते हैं, पर वसीम अकरम एक दफा फिर उतर गए और दो मतलब हमारा यूनुस खान है खूबसूरती का खेला कहाँ ना यार बैठे रहते हैं मुनीब नहीं आएगा। बहुत खूबसूरत शॉट खेली, बहुत ही खूबसूरत शॉट, कुछ नहीं पता लगा वसीम अकरम को गेंद किधर से आई और किधर गई, दो बॉलों पे पांच स्कोर। वसीम अकरम से और विकेट करना चाहेंगे, कौन से खेले हैं वसीम अकरम, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, आठ स्कोर प्रति ओवर चाहिए इनको और इसी तरह आराम आराम से सिंगल सिंगल लेके खेले, ये बहुत आराम से स्कोर पूरा कर सकते हैं। तीन बाल हो गए, तीन बाल हो गए, तीन बाल हैं, छह बाल हैं, छह बाल चुप। वसीम अकरम ने अपनी तरफ से स्लो बॉल करवाई लेकिन सहवाग ने उनकी गेंद को पहले ही जांच लिया था और एक झटके गेंद उड़ा दिया। इस वक्त चार गेंदें 11 स्कोर पर भारत, जीरो विकेट के नुकसान। और आउट नहीं होता क्यों, ये पहले का बार पहले भी रूल डिफाइन हाथ पे लग के जब दीवार पे लगता है नहीं होता। आते भाई का बताऊं जरा स्टॉप कर दे, चल गया नाज़रीन। पिछले ओवर की लास्ट ओवर पे कुछ कंफ्यूजन हो गई थी, एक कैच का फैसला था वो थर्ड अंपायर के बाद भी और थर्ड अंपायर ने कहा कि वो ना करो और सहवाग ने एक ओवर में 12 स्कोर बनाया है और अब सहवाग सामना करेंगे। आपको बस उनके लिए इतना ही कहना काफी होगा कि वो टीम में सबसे लड़ाके समझे जाते हैं। सहवाग सामना करेंगे शोएब अख्तर का और आप जानते हैं शोएब अख्तर और सहवाग की हमेशा से लड़ाई चलती रही है, देखते हैं आगे जंग कौन जीतता है। और छक्का, छक्का, ओए होए होए, बहुत खूबसूरत, सहवाग ने शोएब अख्तर का मुंह तोड़ जवाब दिया, पहली गेंद छक्के के लिए उड़ा दी ग्राउंड से बाहर, 18 स्कोर इसके साथ भारत का स्कोर बहुत खूबसूरत। और धोनी ने पवेलियन से सहवाग को इशारा किया कि धीरज रखो धीरज, अरे मैं जीतना है और इस टाइम सहवाग कभी नहीं जाते हैं। साबित किया कि वो वाकई एक बहुत बड़ा भारत का नया बैट्समैन आ रहा है, वो अपनी तो गेम किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करते। इंडोर का सामना करेंगे शोएब अख्तर का, शोएब अख्तर अपने ओवर की चौथी बॉल और खूबसूरती से इंडोर ने गेम को स्टॉप किया, बहुत ज्यादा बॉल है 18 स्कोर डिलीवरी स्कोर 4 बॉल है 18 स्कोर पर और पांचवी बॉल और भी इसको देते हैं अपने साथ। हम जैसे कि हम सब जानते हैं टेंडुलकर बहुत शांत बैट्समैन हैं और अपने मां तो खुश ना कर मुंह भी नहीं आते, जाने माने बैट्समैन हैं, उनका अपना एक अलग शोएब अख्तर का खेल है मुझे पर यार मां तो हट जा मुंह भी सारा वो कबाड़ा कर रहा है। दो शोएब अख्तर 18 स्कोर कवर तक विकेट के नुकसान पर, भारत अभी भी एक स्ट्रांग पोजीशन में है क्योंकि भारत को सिर्फ 70 स्कोर चाहिए 8 ओवरों में। ये तो ऐसे लगता है जिस तरह टेंडुलकर की और सकलैन मुश्ताक की कोई अजली दुश्मनी है।
ओवर दो वाले, तीसरे ओवर की दो गेंद रही है और भारत से बाहर 28 खेल रहे हैं। सलाम मुश्ताक और कैच छोड़ा सलाम मुश्ताक सीधा हाथों में कैच था गोल के पास भैया। तीसरे ओवर यार रुक जाए, बहुत समझदारी से बैटिंग कर रहे हैं टिलोलकर, जो गेंद मिला उस पे मार बाल इंसान में आए। तीसरे ओवर की कितनी बॉल है? चार गेंदें, पांच गेंदें, रोकना चाह रहे थे लेकिन एक गेंद के नुकसान पर। ये तीसरे ओवर की पांचवी बॉल है। हां पांच गेंदें हो गई, पांच हो गई, लास्ट बॉल, लास्ट बॉल है। सुप्लान की स्कोर हो चुका है 25 बॉल है। और बहुत समझदारी से एक सिंगल लिया, इसके साथ तीन ओवरों में 33। और नाज़रीन चौथा ओवर शुरू होने लगा है, चौथा ओवर शुरू, इसके लिए शोएब की पहली गेंद करेंगे। शोएब मलिक खुद आए चौथे ओवर की पहली गेंद शोएब मलिक करेंगे। टेंडुलकर ने गुस्से में आके शॉट मारी और सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर चार रन के लिए 37 स्कोर। एक बॉल चौथे ओवर की, भारत तेजी से अपने टारगेट की तरफ बढ़ता हुआ 47 स्कोर। चौथे ओवर की दो गेंदें हो चुकी हैं, टेंडुलकर बहुत ही जारहाना अंदाज में खेल रहे हैं और एक और चौका 41 स्कोर। तीन बॉले हुई हैं, शोएब मलिक की तछाड़ टूटी जा रही है, तीन बॉल में 14 स्कोर खा चुके हैं। शोएब मलिक की भविष्य बनाई हुई है, हम देख रहे हैं कि भारत का कोई भी बैट्समैन जब भी गुस्से में आता है तो पवेलियन की राह ले लेता है। पहले वीरेंद्र सहवाग पे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये पाकिस्तानी है और ये एक नमूना बंदा खड़ा है, इसका नाम युमान है, मजबूत पोजीशन में है। चौथे ओवर की चार गेंदें हुई हैं, इस वजह से पाकिस्तान से कोई पंगा लेना ही नहीं चाहता। चौथे ओवर की चार गेंदें, बॉलर अपनी तो 41 स्कोर है यार। एक सेकंड उस्ताद, 41 स्कोर का है, 33 पे ओवर शुरू हुआ, एक छक्का और दो चौके, 14 स्कोर बड़ा, 47 स्कोर है, 47 स्कोर है। चार गेंद हुई है, चौथी गेंद पर टेंडुलकर बाहर, डॉन ड्रेविड ये नाजरे अब आए हैं, युवराज सिंह आए और आता है छक्का खेल दिया और इसके साथ भारत के 50 रन मुकम्मल हुए। चौथे ओवर की पांचवी गेंद बहुत तेज 50, भारत ने ये 50 करने के लिए सिर्फ 23 गेंदें ली और लास्ट बॉल कर 51 स्कोर पाकिस्तान का, सिर्फ 40 स्कोर था नाज़रीन, 40 हो गए, 40 स्कोर था पाकिस्तान का। बस फर्क सिर्फ बॉलर विकेटों का है, पाकिस्तान के इस वक्त चार खिलाड़ी आउट हो चुके थे जबकि भारत के अभी सिर्फ दो खिलाड़ी आउट हुए हैं और अब 6 स्कोर आगे जा रहा है। युवराज सामना करेंगे, मेन जो वजह आती है वो सामने विकेटों की आती है। युवराज सामना करेंगे शोएब अख्तर का, शोएब अख्तर का, शोएब अख्तर एक बार फिर एक्शन, दोबारा दूसरा ओवर करा देंगे क्या जा जैसे तेरी मर्जी है इस बार मूवी में मुझे तंग कर। युवराज आज बहुत ही घिनी, शोएब मलिक ने चाहा कि उन्हें दोबारा बॉलिंग दी जाए, लिहाजा शोएब बहुत धीमी गति में खेल रहे हैं उनको बिल्कुल। युवराज जानते हैं है। चुप कर, फिर साइकिल का कैरियर टूटा हुआ खराब है ना, चलाना नहीं है। 52 स्कोर, 2 विकेट नुकसान, स्लोअर बॉल डाली मेरी साइकिल पे, लेकिन फिर बचत हो गई। कितने बॉल है? 3 गेंद, 52 स्कोर, 2 विकेट चला चुके हैं छह वक्त है। और नाज़रीन जब देखा कि गेंद फील्डर के हाथ में जा रही है गेंद, तो युवराज सिंह वापस घूम पड़े, चार बॉलें खिला चुके हैं, चार गेंद में 0 स्कोर दिया है अभी तक शोएब अख्तर ने, लेकिन और बहुत खूबसूरत गेंद थी मगर दोस्तों के साथ से गुजर गई। युवराज आउट होते होते बचे, लास्ट बॉल कराएंगे, मेडन ओवर करवाने हैं, अभी तक मेडन ओवर जा रहे हैं, बहुत उम्दा बॉलिंग कर रहे हैं, 0 स्कोर दिया है अभी तक शोएब अख्तर ने।
बहुत उम्दा बॉलिंग की बात, परेशान हो रहे हैं कि ये क्या हो गया है, इसलिए उन्होंने इस गेंद को चौके के लिए ला दिया और युवराज बार पर चौका मारा। इंग्लैंड के बॉलिंग कोच हैं बड़े नए बने हैं मुश्ताक अहमद। नहीं बनी मैं नहीं बन गया, रात को खबरों में भी आ रहा है उसने आईसीएल खेला ना तो इंडिया ने कहा आईसीसी ने कहा अच्छा नाजमीन बनना चाह रहे थे लेकिन बन नहीं पाए, पांच ओवर मुश्ताक मौजूद जा मेरी साइकिल पे ना जाना, रुक जा इकट्ठे चलते हैं अभी ये इनके मुंह। 56 स्कोर, युवराज खेल नहीं पा रहे, बहुत रिलैक्स हो गए हैं। रुमान रुक जा, चार्जिंग हो रही है ना, कर ना कर बेइज्जती कर क्यों भैया, ना ना आप आ गए हो। 71 स्कोर भारत को, 3 ओवरों में 17 स्कोर। जनाब आपके क्या हाल है मुश्ताक अहमद साहब, कहां 30 गेंदों में 32 रन है और कहां 18 में 17 रन है, आप तो पाकिस्तान में फंसा दिया। वाह ये हमारा दिल्ली स्थान है, दिल्ली स्थान है, दिल्ली स्थान।